आप देख रहे हैं आरपीकेपी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं सुविनायक तिवारी आरपीकेपी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। विजय राघवगढ़ थाने में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक, नायब तहसीलदार, एसडीओपी और थाना प्रभारी ने की शांतिपूर्ण ढंग से पर्व मनाने की अपील। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं होली पर्व को ध्यान में रखते हुए विजय राघवगढ़ थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। नायब तहसीलदार श्री वर्मा, एसडीओपी केपी सिंह व थाना प्रभारी रितेश शर्मा ने स्थानीय जनों से चर्चा करते हुए उन्हें आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। अधिकारियों ने बैठक में उपस्थित जनों से होलिका दहन विवादित स्थानों में न करने, डीजे आदि का उपयोग अनुमति लेकर निर्धारित समय तक ही करने की बात कही। पुलिस अफसरों ने बताया कि हुड़दंगियों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी और रंग में भंग डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्योहार को सौहार्द पूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से मनाने एवं बुनियादी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौजूद लोगों ने भी पुलिस के समक्ष कुछ सुझाव रखे। इस अवसर पर जनपद उपाध्यक्ष उदय राज सिंह चौहान, नगर परिषद अध्यक्ष वसुदा मनीष मिश्रा, उपाध्यक्ष हरिओम बर्मन, मंडल अध्यक्ष मनीष देव मिश्रा, कांटी मंडल अध्यक्ष जयवंत सिंह चौहान, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राकेश राम कुमार गुप्ता, बीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार, अधिवक्ता नूर मोहम्मद सिद्दीकी, अधिवक्ता मंजुलता बर्मन, महिला मोर्चा से माधुरी मिश्रा, माजिद खान, आशीष रजक, लाला सेन, अनिल ताम्रकार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, गणमान्य नागरिकों व पत्रकारों की उपस्थिति थी।